ऐसा क्वेश्चन चांसेज है, जिस प्रकार लोगों ने यूपीएससी को परेशान किया, तो हो सकता है भाई इस बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट है ना, समझिए ध्यान से। कल की क्लास में मैंने आपको इस टाइप, सॉरी आज ही मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चंस कराया था, बट इस क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट है ये देखिए। राइट है ना, ध्यान से समझो सभी लोग। आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। इसका मतलब है कि आप सही से पढ़ रहे हो। देखो पेड कोर्स वाले बच्चों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जो भी आप कोर्सेस में हो आप सिंपल तरीके सोचोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो ध्यान से, बी स्टार्ट्स 4 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट्स फॉर ए प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 माइल, राइट, फॉर अ प्लेस, राइट है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 माइल फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, राइट है ना। इसका मतलब है भाई, ए ऑन रीचिंग द डिस्टेंस टर्न बैक एंड वॉक अ माइल वेयर ही मीट्स बी। इफ एज स्पीड इज 1 माइल इन 8 मिनट, देन फाइंड बीज स्पीड इन 1 माइल इन 1 मिनट, राइट कि भाई राइट है ना। बी जो है राइट है ना, ए से 4 मिनट बाद, राइट है ना, बी जो है ना, राइट है, बी स्टार्ट्स ए फ्रॉम, राइट, ए से 4 मिनट बाद एक ही स्थान से चलता है, राइट है ना। तो मान लो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एक ही स्थान से चलता है, जो भी टाइम लेता हो, मान लिया जाए ए और बी है, राइट है ना। मान लो भाई ए, मान लो जो भी टाइम लेता हो, राइट है ना, तो ए से 4 मिनट बाद, ए बी जो है ना, ए से 4 मिनट बाद, राइट है ना। इसका मतलब इसका टाइम कितना होगा, टी माइनस फोर हो जाएगा, राइट है ना। एंड अगर आप 7 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर मान लो कि ये है, राइट है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 7 किलोमीटर है या 7 माइल है, ठीक है। गंतव्य पर पहुँच कर वापिस चलकर 1 मिनट चलता है, राइट है ना। फिर यहाँ से चलकर फिर ये 1 माइल फिर चलता है, फिर यहाँ से चलकर फिर यहाँ ये 7 माइल, फिर 1 माइल और चलती है, 1 किलोमीटर और चलता है। जहाँ वह किससे मिलता है, ए ऑन रीचिंग द डिस्टेंस ऑफ टर्न बैक ही मीट्स बी, राइट, ही मीट्स बी, राइट है ना, बी, वह बी से मिलता है। यदि ए की स्पीड 8 मिनट 1 माइल है, अगर ए की स्पीड 8 मिनट 1 माइल है, आप ध्यान से समझिए। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझो, आप इसको अच्छे तरीके से समझना, फोकस रहना रहना, राइट है ना। अगर ए की स्पीड 1 माइल 8 मिनट, राइट, यानी ए जो है, ए की जो स्पीड है, इसकी स्पीड जो है ना, राइट, 1 माइल की स्पीड कितनी है, 8 मिनट, यानी 1 माइल 8 मिनट, ठीक है, 1 माइल इन 8 मिनट, राइट है ना। तो 8 माइल पर मिनट, सॉरी 1 माइल इन 8 मिनट, तो बी की स्पीड आपको चाहिए। ध्यान से समझिए भाई, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस मान लो 7 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, सबको बात समझ में आ रही है, सब बात समझ, राइट है ना, ए फ्रॉम, राइट है ना। तो भाई अगर ए की बात करोगे, अगर आप ए की बात करोगे, तो 7, ए का डिस्टेंस 7 + 1 कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, सबको मेरी बात ये समझ में आ रही है। ए का जो डिस्टेंस हो जाएगा 7 + 1, 8 माइल आ जाएगा, राइट। और बी का कितना, ये बी का सिंपल कितना आएगा, बी का आपका 6 माइल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक ए इतना चला, फिर इतना, फिर बी इतना चला, बी स्टार्ट्स 4 मिनट, क्योंकि बी जो है 4 मिनट के बाद चला, ए जब इतना चल रहा है उसके 4 मिनट के बाद चल रहा है, एक साथ नहीं चल रहा है, ठीक है। सचिन, कोमल, सबको आवाज़ आ रही है, 4 मिनट बाद चला है, राइट है ना, बी स्टार्ट्स 4 मिनट्स आफ्टर ए, राइट है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट है ना। अगर मान लो 1 माइल का 8 मिनट है, तो यहाँ से अगर आप 8 माइल का निकालोगे तो 8 × 8 कितना आएगा, ये आपका 64 मिनट आएगा, राइट है ना। तो भाई यहाँ से इसका मतलब जो इसकी जो टाइम है, ये आपका 64 मिनट आ गया टाइम, है ना, ये टाइम 8 माइल, नहीं, 64 मिनट, राइट। तो इसको आप करोगे तो 60 की वैल्यू, 64 - 4 करोगे तो ये आपका 60 मिनट हो जाएगा। इस बात को समझो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चंस लग रहा है कुछ बच्चों को ही समझ में आ रहा है, ठीक है। 60 मिनट आ गया,
अगर ये 60 मिनट है और ये तो 60 मिनट है, ये कितना आएगा बी का स्पीड, आवाज क्यों बढ़ जाता है। देन फाइंड बीज स्पीड इन वन, बी की स्पीड, तो भाई बी अगर 6 माइल में 60 मिनट का कवर करता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 60/6 इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 10 माइल पर मिनट। आ गई बात समझ में, राइट है ना, 10 मिनट पर माइल, सॉरी इसका आएगा 10 मिनट पर माइल, ऐसे नहीं 10 मिनट पर माइल, 10 मिनट, तो आंसर कितना आएगा बी की स्पीड, राइट, इसका आंसर आएगा 10 मिनट। किसी को कोई दिक्कत बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोमल बिल्कुल सही आंसर। फिर से समझाता हूँ, देखो बी जो है ना ए से 4 मिनट बाद चलता है, बी जो है ना ए से 4 मिनट बाद, इसका मतलब टी माइनस 4, बात समझ में आ रही राइट है ना, जो भी टाइम रहा है ना, और ए और बी का डिस्टेंस जो है ना 7 माइल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका कितना है 7 माइल हो गया यहाँ से, फिर ये 1 माइल और चलता है, फिर यहाँ पे इसको बी मिलता है, फिर यहाँ पे इसको बी मिलता है, तो बी का कितना हो जाएगा 6 माइल हो जाएगा। अगर ये टोटल यहाँ 7 है तो 7+1 ए का कितना है 8 माइल आ जाएगा। और ए के बारे में कहा है कि 1 माइल 8 मिनट का है, एक स्पीड 1 माइल में ए 8 मिनट चलता है, तो अगर आप इसका टाइम निकालोगे तो 8 माइल में कितना 64 मिनट, तो यहाँ से टाइम 64 आ गया, तो 64-4, ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार हमने निकाल दिया, ठीक है, आगे मूव करूं, फिर भी कोई डाउट हो डाउट सेशन में, जूम सेशन में आप मुझसे एक बार और ज़रूर पूछ लेना इस क्वेश्चन को, अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, आगे मूव करूं। चलिए सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी कि आपने कर लिया। ठीक है, ले लीजिए एक टाइम, ठीक है सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ जो होगा ना बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए देश की दूरी पारण बिंदु 3.5 मीटर है, गंतव्य पर पहुँच कर ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टाइम मिनट्स भी पीछे मुड़ता एक ए मिलता चलता है, यदि मिनट में 1 मील चलता है, राइट है ना, यानी ए इज स्पीड ए, यदि तो मिनट में 1 मील चलता बी इज स्पीड अ माइल, ये हिंदी मेरे को इसको थोड़ा सही कर देता, करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकंड करेक्ट कर देता हूँ, मेरा नोट्स कहाँ गया, नोट्स कहाँ गया, ए पीछे मुड़ता है, ये पीछे मुड़ता है, ठीक है, यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, 1 मील चलता है, राइट है ना, तो बी तो बी 1 मिनट बी जी स्पीड माइल इन मिनट, तो बी की बी जो है ना बी तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा, तो बी कितने मिनट में 1 माइल चलेगा, ठीक है, बी इज स्पीड, बताइए इसका आंसर। चलो कोमल का इस कॉन्फिडेंस के लिए कोमल को सब लोग थैंक यू बोलो, कहले सर अब प्रीलिम्स नहीं रुकेगा सी सेट की वजह से, चलो अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करो, ठीक है, रुकना भी नहीं चाहिए, क्या जी स्क्रीन शॉट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छा ज़्यादा देर हो गया क्या क्लास, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो फिर क्लास ऑफ कर दूँगा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कल जो है ना रेस पढ़ाऊंगा कल से, ठीक है, हुआ
सेम को बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर बताइए कि मैं करूँ सॉल्व। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई ए और बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है प्लेस और डिस्टेंस साढ़े 3.5 माइल, राइट राइट। स्टार्टिंग ए ऑन रीचिंग द डिस्टेंसन टर्न बैक एंड वॉक है अ माइल, राइट है ना, जिसकी दूरी प्रारंभ बिंदु 3.5 माइल है, जो तो पहुँच के ए पीछे मुड़ता है, राइट, एक स्थान से चलने के लिए, राइट है, फिर एक मील तक चलता है, फिर यहाँ से लेकर के देखो यहाँ से यहाँ तक 3.5, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 1 माइल और चलता है, राइट है ना। तो अगर आप ए की जो स्पीड करोगे, राइट, ए की जो स्पीड अगर आप करोगे तो ये आपका 4.5 माइल हो गया, 4.5 माइल हो गया, राइट है ना, राइट है ना। उसके बाद क्या लिखा है अगर 3.5 यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया तो ये कितना बचेगा आपको 2.5 माइल, तो बी के लिए कितना होगा 2.5 माइल। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है सर, 2.5 माइल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बी स्टार्ट 4.5 मीटर आफ्टर, ए की जो भी स्पीड है ये इसके 4.5 मीटर बाद ले रहा है। अब यहाँ पे देखो ए की स्पीड है 6 मिनट पर माइल, यानी कि 1 माइल में, राइट है ना, ये 6 मिनट है इसका, तो यहाँ पे 4.5 माइल में कितना आएगा 4.5 मिनट, यहाँ से टाइम आ जाएगा, तो 6 × 4.5 करो तो कितना आएगा 27 माइल। तो भाई अगर टी की वैल्यू अगर 27 माइल है, राइट है ना, तो इसका कितना आएगा 27 − 4.5, ये कितना आएगा 22.5 माइल आएगा, ये 22.5 माइल होगा, बोलो हाँ है ना, 22.5 माइल आएगा, राइट है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी की स्पीड क्या होगी, तो बी का तो 2.5 माइल ये इतना है, राइट है ना, तो ये इसका एक टाइम है, ये इसका सर ये माइल नहीं है, ये इसका टाइम 27 मिनट है, ये सर ये मिनट है, ये मिनट है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे, राइट है, तो ये कितना आएगा 22.5 अपॉन में 2.5, राइट है ना, तो ये आपका कितना आएगा 9 आएगा आंसर, राइट है 9, तो 1 मिनट में 9 मिनट आएगा आंसर, कितना आएगा आपका 9 मिनट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा इस प्रकार टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस काफ़ी डिटेल में ख़त्म होता है, ठीक है, कल फिर रेस कराऊँगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, राइट है ना, आप अपडेट हुआ है, न्यू ग्रुप आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा ऐप पे सारा चीज़ें, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।